पोएट्री में पढ़ाएंगे आपको पार्ट फर्स्ट जो आता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड द इट्स टेरिटरी आती है। ये आर्टिकल आता है 1 से लेकर के 4 तक हम आपको बताएंगे, और जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आपको बाद में क्लास में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पार्ट वाइज हम आपको अब डे बाय डे आपकी पोएट्री की जो लेक्चर है वो आती रहेगी। आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। संघ मतलब क्या होता है? इकट्ठा, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना ये बहुत ज्यादा कॉपी किया गया है ब्रिटेन का, क्योंकि हम उसके क्या थे? गुलाम थे। इसी के उद्देश्य से हमने सोचा कि हम इन्हीं के अनुसार ही अपने देश में क्या करेंगे? शासन लागू करेंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट में भारत एक राज्यों का संघ होगा, क्योंकि आजादी के पहले जो थे, जो भारत के राज्य थे, वो छोटे छोटे प्रोविंस में बटे हुए थे। अब इनको इकट्ठा करने का काम किसने किया था? लौह पुरुष हमारे हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है, जिनकी एक बड़ी सी स्टैचू आजकल लगी हुई है साबरमती नर्मदा के किनारे गुजरात में। आपने सुना होगा कि बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च किया गया था, लेकिन उनकी वैल्यू कोई नहीं समझा था कि उन्होंने वो काम करके दिखाया था, नहीं तो आज हम भी यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में क्या होते? बिखरे होते। उन्होंने इकट्ठा किया था सबको, इसीलिए आज क्या हो गया? एक भारत, अखंड भारत बना था। तो आर्टिकल फर्स्ट में है भारत राज्यों का एक संघ होगा, उसमें राज्यों का संघ होगा, इसमें हमारे देश में जो है ना जो संविधान बना था वो सेंट्रल इतना पावरफुल है कि कोई भी राज्य चाहे कि हम सेंट्रल से अलग हो जाए तो अलग नहीं हो सकते। हाँ, सेंटर चाहे, अगर जो हमारा संसद चाहे, जब हम संसद की बात करेंगे तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर क्या क्या होता है? एक संसद होता है, उसी जहां से हमारे क्या होते हैं? कानून बनते हैं, और हर देश के जो छोटे छोटे राज्य हैं या बड़े राज्य हैं सब पर लागू होता है, और सबको मानना भी पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में केवल एक ही संविधान है, ना कि अमेरिका की तरह, क्योंकि वहां अमेरिका में क्या है कि जितने राज्य हैं उनकी अपनी संविधान है, वो क्या है, एक राज्य में अपना अलग संविधान है, अलग नियम कानून है, अलग उनका शासन प्रणाली है। तो इसीलिए हमारे देश में उनकी कॉपी नहीं की गई है, ब्रिटेन की कॉपी की गई है, और हमारा जो देश है वो क्या है, एक संविधान है, और उसी के बनाया गया नियम कानून क्या होता है, हर राज्य क्षेत्र में लागू होता है, उससे कोई मना नहीं कर सकता कि हम इसको लागू नहीं करेंगे अपने राज्य में। आज के दूसरे में क्या है, नए राज्यों का गठन या वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र या नाम में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन। ये भी दिया गया है हमारे जो संसद है उसको दिया गया है शक्ति कि अगर जो कोई राज्य है उसका नाम बदलना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटना है, जैसे हमने अभी तेलंगाना में बांटा है, 2 राज्य कर दिया है, यूपी में मांग हो रही है, अगर जो यूपी को भी बांटना पड़ जाए तो क्या करेगा? हमारा संविधान ही, संसद ही संविधान के अकॉर्डिंग वो उसको बांटेगा, ना कि राज्य की मनमानी से जो चाहे वो हो सकता है। हाँ, अगर जो जिस राज्य से रिलेटेड बात हो रही है, अगर जो उसका नाम चेंज करना है, अगर जो उसकी सीमा चेंज करनी है, और भी कोई भी परिवर्तन करना है राज्य के रिलेटेड, तो क्या करता है? राष्ट्रपति उनसे सलाह पूछता है, मशवरा लेता है कि क्या ये सही है जो हम आपके राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर जो राज्य मना भी कर दे कि नहीं करना है तो भी बाध्य नहीं है कि हम उसको परिवर्तन ना करें, इतनी शक्ति हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। अगर जो कोई राज्य में परिवर्तन करना भी होता है तो ये नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट है वही कर जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति से पूछना पड़ता है, जब राष्ट्रपति हाँ भरेंगे तभी जाकर के उस राज्य का नाम, क्षेत्र या जो भी उसमें परिवर्तन करना हो परिवर्तन किया जा सकता है। तो नए राज्यों का गठन हो गया, किसके ऑर्डर से होगा? जब राष्ट्रपति हमको परमिशन देगा। अब ये परमिशन राष्ट्रपति देगा तो एक विधायी प्रक्रिया के अनुसार लोकसभा में इसका शुरू होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति पहले ही दे दिया है, इसका सलाह लिया जाएगा उस राज्य से जो रिलेटेड राज्य है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद ये विधायी प्रक्रिया क्या होगी, पूरी होगी। और आर्टिकल तीसरा में है, अगर किसी राज्य की सीमा या राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती थी,
या हमने बात किया था ना राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, बिना राष्ट्रपति के हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और चौथा है आर्टिकल 4 क्या है, अगर आर्टिकल 2 और 3 में, अगर 2 और 3 में कोई परिवर्तन किया जाता है तो आर्टिकल वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि आर्टिकल 368 क्या करता है, संसद में क्या करता है, संविधान में संशोधन की परमिशन देता है। तो ये संविधान संशोधन के अनुसार नहीं आएगा, ना कि आप लोग ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, अगर जो भारत कह रहा है इट्स टेरिटरी कह रहा है, अगर इसमें क्या होगा, यूनियन हो गया पूरा भारत, और इसका क्षेत्र हो गया, अगर जो हम किसी का क्षेत्र एक्वायर कर रहे हैं, सपोज दैट कल को हम पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र एक्वायर कर लें, तो क्या क्या स्वतः ही हमारे देश के पार्ट बन जाएंगे, वो भारत के ही राज्य क्षेत्र में आ जाएंगे। इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है कि अगर जो हम कल वो दमन द्वीप हमने कैप्चर किया था उसको भी, तो वो भारत का क्या हो जाता है, स्वतः क्षेत्र हो जाता है। कल को हमारा जो कुछ क्षेत्र चीन ले रखा है, अगर जो हम उसको कैप्चर करें तो वो भी हमारा क्षेत्र हो जाएगा। अगर जो हम जितनी भी क्षेत्र कैप्चर करेंगे, एक्वायर करेंगे किसी फॉरेन जो हमारा पहले से ले रखे हैं, 1962 में लड़ाई हुई तो चीन ने हमारा कुछ क्षेत्र हड़प लिया है, फिर जो POK जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो हम एक्वायर करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो स्वतः ही क्षेत्र हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर जो हम एक्वायर करेंगे तो ये संघ के क्षेत्र उसमें नहीं जाएंगे, यूनियन टेरिटरी नहीं होगी, नहीं, वो स्वतः ही मान लिया जाता है उसमें। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था, हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो है हमने जो संघ बनाया था, संघ और उसके राज्य, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हर छोटे छोटे प्रोविंस से बात करना, उनको मनाना, उनको एक टेबल पर बैठा करके एक देश का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम उनकी वैल्यू नहीं समझते, कुछ तो राजनीति के कारण नहीं समझते हैं, और कुछ जो हमको दिखाया जाता है वही देख लेते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने इतिहास को जाने, अपने हम भूगोल को जाने, तभी समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो किसी कंपटीशन की तैयारी करता है या फिर पढ़ाई करता है वही इस वीडियो को देख सकता है, भारत का नागरिक होने के नाते उसको देखना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, हुआ क्या था हमारे देश के साथ, और हो क्या रहा है आगे चलते, क्योंकि विभिन्न पार्टियां हैं अपने अनुसार इसको इंटरप्रिटेट करती रहती है, इसका व्याख्या करती रहती है कि हमारे संविधान में ये है, हमारे संविधान में वो है। तो इसको कभी भी नहीं मानना है, आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते इसको खुद पढ़ो, खुद समझो, ना भी पढ़ना आता हो तो एटलीस्ट एक वीडियो तो देख ही सकते हो आप। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके बाद हम पढ़ाएंगे सिटीजनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये सब, और ये पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सारे ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, और जो भी इसमें हम आपको लगे कि कुछ छूट रहा है वो कमेंट करके जरूर बताओ, हम आगे आने वाली वीडियो में उसको जरूर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।